आप सभी का स्वागत है इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अप्रैल 14 के सभी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो भी नए बच्चे हैं, मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज अपडेट होते हैं, इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा जितने भी करंटली कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, MPPSC प्री प्लस मेंस या प्रीलिम्स, प्योरली और प्योरली इंग्लिश मीडियम में, तो ये ऐप से आप एक्सेस करके वो देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी डाउट आने पर इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग सीधे अपने पहले कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो कल यानी अप्रैल 13 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद मालवा संगीत सम्मान इन द मालवा समारोह। तो मालवा संगीत सम्मान मालवा समारोह में किसको दिया गया? तो किसको दिया गया, तो कल हमने डिटेल में बात की थी, मनहर उदास साहब को दिया गया। पंकज उदास साहब के बड़े भाई हैं। उदास नहीं होता है, उदास होता है, उदास, है ना? लोगों ने बोल-बोल के विचारों को उदास बना दिया, वरना खुश रहते थे। तो मनहर उदास साहब को ये मिला। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कुआं ताल मेला शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहां पर इनॉग्रेट किया? तो ये पन्ना में इनॉग्रेट किया, कुआं ताल मेला पन्ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जल अभिषेक अभियान वाटर कंजर्वेशन कैंपेन शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहां से शुरू किया? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जल अभिषेक अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है सक्षम। सक्षम का फुल फॉर्म है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2022 भोपाल से मंगू भाई पटेल साहब ने इनॉग्रेट किया। ये एक एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन है। तो क्वेश्चन पूछता है कहां से इनॉग्रेट किया, तो कंफ्यूज मत होना, हमने बोला कुआं ताल मेला कहां? पन्ना। फिर जल अभिषेक अभियान रायसेन, और सक्षम उत्सव जो एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन है ये भोपाल से शुरू किया गया सक्षम 2022। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट था Who has had the longest tenure among the governors of Madhya Pradesh? तो हमने बड़ा डिटेल में बहुत सारे गवर्नर्स का डिस्कशन किया। हरी विनायक पतस्कर साहब का longest duration as governor of MP रहा है। चले तो भाई, अब हम लोग आते हैं अपने अप्रैल 14 के करंट अफेयर्स पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? रिसेंटली MP गवर्नर मंगू भाई पटेल साहब ने किस पॉलिटिशियन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है? कुल मिला के 25 लोगों को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक बड़ी न्यूज है, ये एक इंपॉर्टेंट, देखो करंट अफेयर्स में जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभार हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट न्यूज भी आती हैं और कभी कभार हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है, कभी कभार VVIMP वाली आ जाती हैं। ये वाली जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ये VVIMP वाली कैटेगरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है 25 लोगों को मध्य प्रदेश के, जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम किया हो या गांधीयन आइडियाज जैसे स्वच्छता वगैरह पे काम किया हो, और उनमें से कौन से पॉलिटिशियन को दिया गया? चार ऑप्शन सामने, नरोत्तम मिश्रा जो होम मिनिस्टर है, शिवराज सिंह चौहान CM, गिरीश गौतम जो आपके स्पीकर हैं, या हीना कांवरे जी को दिया गया। तो इसका सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान साहब, पॉलिटिशियंस में से इनको दिया गया। और भी पॉलिटिशियंस हैं लेकिन सबका नाम जरूरी नहीं है, और ये जो पूरे 25 लोग हम लोग सबको नहीं करने वाले, हम लोग केवल महत्वपूर्ण लोगों को करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो 25 लोग याद करना ना तो पॉसिबल है और ना ही समझदारी है और ना ही ये आने वाला है। याद किसको करना है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट नाम अभी करवा रहा हूं, इन नामों में से ही क्वेश्चन फंसेगा, इनके अलावा आने की संभावना बहुत कम है। तो एक तो शिवराज सिंह चौहान साहब को यह अवार्ड मिला है। चले दूसरे अवार्ड की बात करते, तो और किस किस को मिला है पूरी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान साहब को ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी एंड मिजोरम डॉक्टर अजीज कुरेशी, यहां पर आप देख सकते हैं अजीज कुरेशी साहब व्हीलचेयर पर हैं, बहुत एज हो गई, इनको अवार्ड दिया गया। इसके अलावा यहां पर इमेज में आपको दिव्यंका त्रिपाठी भी दिख रही है, पता नहीं इन्होंने कहां पर सोशल सर्विस की है, इंडियन एक्ट्रेस है वही इशिमा, है ना, तो वही आपकी इशिमा है, और इनको भी दिव्यंका त्रिपाठी जी को भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा बात करें तो तीजन बाई को भी ये सम्मान दिया गया है। तीजन बाई पांडवानी गायक हैं, छत्तीसगढ़ का एक ये फोक आर्ट होता है जिसमें स्टोरीज को नरेट करते हैं, गाने गाते हैं, तो पांडवानी सिंगर हैं तीजन भाई, इनको अवार्ड दिया गया है। पीयूष मिश्रा आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झुंड, तो पीयूष मिश्रा साहब इनको भी दिया गया है ये अवार्ड। दिलीप सूर्यवंशी, बस ये नाम एक बार देखना है ना, तो एक बार एग्जाम से पहले नाम जब करंट अफेयर्स रिवाइज करो तो देख लेना, ये महत्वपूर्ण नाम है, इनमें से आ सकता है, बाकी लेस इंपॉर्टेंट में तो कोई मतलब नहीं है। तो दिलीप सूर्यवंशी, दिलीप बिल्डकॉन के हेड, दिलीप बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी तुमने नाम सुना होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करती है, और दिलीप सूर्यवंशी उनके हेड है, उनको भी दिया गया है। मेघा परमार, मैं बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, मेघा परमार बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी कितनी बार क्वेश्चंस में हमने पढ़ा, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम मध्य प्रदेश टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो सबसे पहली बार मध्य प्रदेश की कौन सी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हो, मेघा परमार। और कुछ समय पहले हमने करंट अफेयर्स में इनका नाम कब देखा था, इन्होंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में 147 फीट यानी 45 मीटर नीचे इन्होंने
टेक्निकल स्कूबा डाइविंग की थी और वहां पर भी इनका नाम आया, याद है। और इस प्रकार दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम किया और टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में 45 मीटर नीचे तक भी गई हैं। मेघा परमार, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, ये मेयर है इंदौर की, और इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने में अगर दो लोगों का नाम लिया जाता है तो इंदौर की मेयर मालिनी गौर, दूसरा इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, इन दोनों का नाम बड़ा ही लिया जाता है सम्मान से। और ये निश्चित रूप से बड़ी बात है, देखो फर्स्ट आने से बड़ी बात होती है फर्स्ट बने रहना। आप लगातार 5 साल से ये कर पा रहे हो, दूसरे लोग कर करके थक गए है ना, दूसरे लोग पीछे हो रहे हैं, कुछ आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंदौर consistently first पर बना हुआ है, ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ बात है। और मालिनी गौर जी का उसमें definitely role है। फिर राज्यसभा MP सैयद जफर इस्लाम, इंडियन एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, कोविड वॉरियर रेणु शर्मा, तो ये महत्वपूर्ण नाम है 25 लोगों में से कुछ महत्वपूर्ण नाम, इनके नाम आपको बिल्कुल दिमाग में फिट रखना, एक बार पढ़ के जाना, दिमाग में फिट हो जाएगा, परेशान ना हो। अब हम बात करें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, तो 2021 चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया 2022 में, लेकिन है क्या चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021, चलें तो ये अप्रैल 12/2022 को दिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और मैं बोल के यहां पर भी थक गया, इसका पहले का नाम क्या था, तो जो बच्चे रोज आते हैं तो मिंटो हॉल, जो पुरानी विधानसभा हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, मिंटो हॉल 1956 से 96 तक यही विधानसभा थी मिंटो हॉल, इसका ही नया नाम क्या है कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यहीं पर ये अवार्ड हुए। और एमपी गवर्नर मंगू भाई पटेल ने 25 लोगों को ऑनर किया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी थे और वही हमारे ऑप्शंस में से नाम थे, तो इनको ही दिया गया है ना पॉलिटिशियंस में। चैंपियंस ऑफ चेंज इज एन इंडियन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज लाइक स्वच्छता, कम्युनिटी सर्विस, सोशल डेवलपमेंट, द अवार्ड इज गिवन बाय इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी आ सकता है भाई। कौन ये ऑर्गेनाइज करता है अवार्ड, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, मैं बता दूं ये 2011 में स्थापित संस्था है जिसके करंट हेड का नाम नंदन झा। माना जाता है नंदन झा साहब ने ही ये अवार्ड्स को फाउंड किया है, यानी इन्होंने ही इसको एस्टेब्लिश किया है, तो नंदन झा साहब का नाम भी दिमाग में रखना है। और इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी ये कंपनी का नाम है जिसके हेड नंदन झा है, ठीक है। तो नंदन झा इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, और इसकी कंपनी के हेड भी अभी वही है, 2011 की ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और यही ये अवार्ड देती है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में दिए गए, 12 अप्रैल को दिए गए हैं। सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिटी सर्विस और गांधीयन, जो गांधीवादी विचारों पर चलने वाले लोग हैं उनके काम है, उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी ये देता है, सही बात है। और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, अजीज कुरेशी, तीजन भाई, पीयूष मिश्रा, दिलीप सूर्यवंशी, मेघा परमार, मालिनी गौर, सैयद जफर इस्लाम, दिव्यंकर त्रिपाठी, रेणु शर्मा। चलो मुझे उम्मीद है कि यहां तक की कहानी क्लियर है। तो ये है वो 25 लोगों की, इंपॉर्टेंट लोगों की तस्वीरें, तो यहां पर आप देख सकते हो पीयूष मिश्रा बैठे हैं, ये मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, दिव्यंकर त्रिपाठी, ये अजीज कुरेशी, और भी लोग वहां मालिनी और जी भी बैठी हैं, चलो भाई ये तीजन भाई भी बैठी हैं। आइए अब हम लोग आते हैं सीधे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिसेंटली विच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन गिवन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड। अच्छा यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों से जानना चाह रहा था कि जो हमारे एमपी के करंट अफेयर्स जो हम लोग डेली देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में, क्या हमको इसको लाइव क्लास के फॉर्म में एक निश्चित समय पर रोज लाना चाहिए कि रिकॉर्डेड फॉर्म ही बढ़िया है। लाइव क्लास का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इतनी सारी लाइव क्लास यूट्यूब पर आप देखते होंगे, तो क्या हमको जैसे एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके कि 9 बजे 10 बजे 8 बजे सुबह के, तो कभी भी क्या हमको लाइव क्लास के फॉर्म में होना चाहिए? उससे एक फायदा ये होता है कि एक बिल्कुल डेफिनेट टाइम पर आपका भी रूटीन बन जाता है, तो वो क्या होता है कि डेली रूटीन बन जाता है, तो फिर वो मिस नहीं होता है आपका भी करंट अफेयर, तो ये उसका एक फायदा है, है ना, तो एक बिल्कुल निश्चित चीज वो हो जाती है। बाकी रिकॉर्डेड भी आप बता सकते हो कमेंट में कि क्या बेटर है ना। चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं हम लोग। रिसेंटली विच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एमपी हैज बीन गिवन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड। स्कॉच अवार्ड शुरू किए गए थे 2003 में, इनका एम ये था स्कॉच अवार्ड का कि ऐसे संस्थान, ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश की तरक्की में एडिशनल एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी मतलब कोई अधिकारी है उसको वैसे सैलरी मिल रही है, कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल अपना काम कर रहा है तो भी मिलेगी वो सैलरी, लेकिन फिर भी वो बाहर जाके अपने कंफर्ट जोन से कुछ बेटरमेंट करने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसको स्कॉच अवार्ड दिया जाता है उस इंस्टीट्यूशन को या उस पर्सन को कि भाई आपने अपने काम से बढ़कर ये काम किया है। अब ये वाली चीज
स्कॉच अवार्ड, सिल्वर अवार्ड मध्य प्रदेश में कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दी गई? मध्य प्रदेश में 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक है वेस्ट जोन में ऑपरेट करने वाली, एक ईस्ट जोन में ऑपरेट करने वाली और एक सेंट्रल जोन में ऑपरेट करने वाली, और इसका सही जवाब है वेस्ट जोन। तो जो वेस्ट जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इसको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, मैं आपको तीनों के हेडक्वार्टर भी बताता हूँ, लिखे भी हुए हैं आगे। वेस्ट जोन का हेडक्वार्टर इंदौर है, ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर जबलपुर है और सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर भोपाल है। अच्छा, अब इस बात को सुनिएगा, वेस्ट जोन को क्यों दिया गया? दरअसल एक स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट वेस्ट जोन ने शुरू किया है जो बहुत शानदार है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप लोग भी देखो, शायद आपको भी अच्छा लगे। एक समस्या जो देखी गई है कि भाई नॉर्मली जब मीटर रीडिंग वाले भैया आते हैं घर पे, वो रीडिंग करते हैं और कई बार वो गलत रीडिंग कर देते हैं या लोगों को लगता है गलत की है, तो लोग कई बार कंप्लेन लेके जाते हैं कि हमारी तो इतनी रीडिंग नहीं थी और मीटर वाले भैया ने कुछ गलत कर दिया है, उनने कुछ गलत देख लिया है, हमारा मीटर का बिल ज्यादा आ गया। और कई बार ये कंप्लेन सही भी होती है, भाई ह्यूमन एरर हो सकता है, भाई वो एक तो नीचे से खड़े होकर देखते हैं, स्टूल लाके तो दिख नहीं रहा, तो बहुत समस्या आ सकती। तो सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम तो थी कि कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं ह्यूमन एरर सच में हो जाता था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर बनाए गए वेस्ट जोन के द्वारा, जो देश में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने ऐसा सोचा, वेस्ट जोन ने। अब इसके अंदर किया क्या गया है, स्मार्ट मीटर्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिटर्स लगा दिए गए हैं। जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं घर में, तो क्या होता है कि जहां पर भी रेडियो स्टेशन होता है वहां से रेडियो वेव्स आती हैं हमारे घर में, हम लोग वो उसको कैच कर लेता है रेडियो और फिर हम लोग FM सुन पाते हैं। सिंपल सी बात है। चलो, वैसे ही जो स्मार्ट मीटर्स होंगे वो रेडियो वेव्स एमिट करेंगे जो कि बिजली विभाग के पास पहुंच जाएगी। इन्हीं रेडियो वेव्स में इंफॉर्मेशन वाले सिग्नल्स होंगे जिसमें वो आपका विभाग को आपकी मीटर रीडिंग वहीं से पता चल जाएगी। तो ये जो भैया आते थे घर पे देखने, अब उनकी जरूरत नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति का वैसा इंटरेक्शन नहीं होगा कि वो मीटर रीडिंग करने आएगा, ऑटोमेटिकली आपका मीटर वो जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के फॉर्म में भेज देगा आपकी रीडिंग विभाग को, तो आपका बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, तो विवाद के चांसेस कम होंगे। तो अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके लिए वेस्ट जोन को दिया गया है ये अवार्ड। चलो, स्कॉच अवार्ड। ऑन April 12, 2022 एमपी वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वेस्ट जोन, विच इज रनिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड द मोस्ट मॉडर्न रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट इन द कंट्री, रिसीव्ड द कंट्रीज प्रेस्टीजियस स्कॉच सिल्वर अवार्ड। स्कॉच अवार्ड 2003 में एस्टेब्लिश किए गए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाले लोगों को, HQ तीनों के मैंने आपको पहले भी बता दिए। अच्छा, मऊ जो कि इंदौर सिटी में है, ये मध्य प्रदेश की पहली सिटी है जहां पर 100% स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, वेस्ट जोन में ही आती है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली सिटी बताएं जहां पे 100% स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, तो ये है मऊ। और इंदौर में 300,000 मीटर लग गए हैं, और भी कुछ कुछ जगहों पर मीटर लगा दिए गए हैं लेकिन अभी काफी काम बाकी है, लेकिन मऊ में 100% यानी सभी घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन को इसी चीज के लिए अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला? स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड कब शुरू किए गए? 2003 में शुरू किए गए। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्कॉच अवार्ड, ठीक है। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट थियोथर माइक्रो इरिगेशन स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय एमपी गवर्नमेंट? 3 माइक्रो इरिगेशन स्कीम शुरू की गई है। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है कि कम वाटर का इस्तेमाल करके मैक्सिमम एफिशिएंट इरिगेशन करना। जैसे आपने सुना होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, अगर आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन सुना हो तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में भाई पानी भी बकायदा प्रॉपर यूटिलाइज होता है, वेस्टेज भी नहीं होता। एक होता है फ्लड इरिगेशन, कि आपने बिल्कुल भर ही दिया है ना, फ्लड इरिगेशन में तो भर दिया आपने अपने खेत को पानी से और पानी भी आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और फिर वो इतना जमीन लेती भी नहीं है, सैचुरेट रहती है। तो धीरे धीरे पानी जो स्प्रिंकलर इरिगेशन देता है वो बेस्ट रहता है। तो कहने का मतलब है 3 माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स अभी अप्रूव की गई हैं। एक अप्रूव की गई है थियोथर जो तहसील है रीवा में, एक पांगरी बुरहानपुर और एक माड़ा। अगर आपने सुना हो माड़ा केव्स कहाँ है? सिंगरौली में है। तो माड़ा सिंगरौली, ये 3 माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स को इनॉग्रेट किया गया है, थियोथर रीवा पांगरी बुरहानपुर माड़ा सिंगरौली। 900 करोड़ तीनों स्कीम्स का कंबाइंड सैंक्शन पैसा किया गया है। क्वेश्चन बोलता है कि थियोथर माइक्रो इरिगेशन स्कीम कहां पर, तो थियोथर कहां पर, तो इसका सही जवाब है रीवा। तो ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? रीवा। तो दिमाग में रखना, थियोथर रीवा और पांगरी बुरहानपुर और माड़ा केव्स है। माड़ा केव्स तो वैसे भी आप एमपी जीके स्टैटिक जीके में पढ़ते हो, माड़ा केव्स सिंगरौली। तो माड़ा केव्स सिंगरौली, माड़ा सिंगरौली, थियोथर रीवा और पांगरी बुरहानपुर, ठीक है। थियोथर स्तूप भी अगर आपने पढ़ा ना, थियोथर बुद्धिस्ट स्तूप भी है, वो भी कहा है, तो रीवा में ही है। चलो भाई, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। Which district has been included in the diamond producing districts by the Madhya Pradesh government recently? अब हुआ ये कि 8 साल पहले टीकमगढ़ को diamond producing district में शामिल कर लिया गया था, लेकिन
इसको नोटिफाई नहीं किया गया। एक होता है ना, देखो गवर्नमेंट में काम करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो फिर उसको गजट में दिया जाता है, ताकि भाई आम जनता के लिए, कि आप देखो डेमोक्रेसी में हम लोग बिना गजट में डाले तो ये वाली चीजें जो होती हैं, जिसमें सरकारी चीजें होती हैं, तो बिना अगर आपने गजट में डाले ये सब किया तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 8 साल पहले टीकमगढ़ को डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन इसको नोटिफाई नहीं किया गया था, और अभी रिसेंटली इसको नोटिफाई किया गया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब एक डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गई है, और वो है टीकमगढ़, इसका मतलब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एजेंसीज तो टीकमगढ़ में एक्सप्लोरेशन और सर्वे का काम शुरू कर पाएंगी, और जब इनको कुछ जगहों पर डायमंड मिल जाएगा तो भविष्य में यहाँ से खनन यानी माइनिंग भी हो पाएगी। तो सबसे पहले है सर्वे और एक्सप्लोरेशन, तो सर्वे और एक्सप्लोरेशन तब हो पाएगा जब आप नोटिफाई करोगे इसको, तो अब ये वाला काम हो चुका है। क्वेश्चन बोलता है डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स में किसको शामिल किया गया, इसका सही जवाब है टीकमगढ़ को शामिल किया गया है। और अब क्योंकि ये शामिल कर लिया गया है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ONGC और MECL ये लोग अब आएंगे टीकमगढ़ में, और 5 जगहों पे टीकमगढ़ में ये लोग सर्वे और एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे कि कहां कहां पर कितना कितना डायमंड मिल रहा है। एक बार इनके पास सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि इनको 3 साल के अंदर सबमिट करने का टाइम दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में सर्वे करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्वे होता है, तो 3 साल के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके आधार पर भविष्य में टेंडर रिलीज किए जाएंगे कि भाई देखो ये रीजन नंबर 1 इसमें इतना इतना ज्यादा डायमंड है, ये रीजन नंबर 2 यहां पर कम डायमंड है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों में कंपनीज जो बोलियां लगाएंगी, फर्स्ट वाले में ज्यादा बोली लगाएगी वो, तब आप लगाओगे ना बोली कम ज्यादा जब आपको पता हो कि डायमंड है कितना। तो पहले सर्वे होगा, पता चलेगा कि डायमंड की एग्जैक्ट क्वांटिटीज हैं कितनी, उसके बाद भविष्य में माइनिंग होगी। तो अभी आपको बस इतना दिमाग में रखना है, टीकमगढ़ को भी डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डायमंड माइन है, आपको मालूम होगा कि देश की एकमात्र जो डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जहां पे कमर्शियल माइनिंग होती है वो पन्ना है, मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी बोला जाता है ना, और पन्ना को डायमंड डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पन्ना, और इंडिया की भी एकमात्र डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पन्ना। और यहां पर एक फेमस माइंस है, मझगवा माइंस, तो जो मझगवा माइन है वो NMDC ऑपरेट करता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक नवरत्न कंपनी है। अगर कंपनीज का आपने सुना हो तो अलग अलग टाइप की कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, तो एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न, एक होती है मिनी रत्न, है ना। तो जो महारत्न होती है वो बहुत बढ़िया काम कर रही होती है, उनके पास जिनके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी होती है, और भी बहुत सारी इसमें टेक्निकल बातें, इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस सब में नहीं जा रहे, अभी हम लोग बस इतनी सी बात कर रहे हैं। आप दिमाग में इतना रखना कि मझगवा माइंस जो पन्ना में है ना, या ऐसा याद रखो कि पन्ना में जो डायमंड एक्सट्रैक्शन होता है वो NMDC देखता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देखता है, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न कंपनी है, सेकेंड लेवल की कंपनी है, मिनी रत्न होता है नीचे, नवरत्न, और सबसे अच्छी कंपनी होती है महारत्न। चलो कुछ कुछ तो इससे भी नीचे होती है, लेकिन उनको कोई नाम नहीं दिया जाता। वेयर इज द फेमस जहांगीर महल सिचुएटेड। तो हम लोग एक स्टैटिक GK का भी क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, तो एक वो भी जो हमने एक चीज शुरू की है वो भी हम लोग देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि जो हमने स्टैटिक GK शुरू किया है, जो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, ये क्या सही है? अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, केवल आप करंट जैसे ही हो जाए, भले ही 4 ही क्वेश्चन हो, 5 ही क्वेश्चन जितने भी हो वहीं खत्म कर दो, तो हम लोग करंट को इसको यहीं पर रख देंगे। अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर स्टैटिक भी एक आध जोड़ देंगे तो अच्छा ही, एडिशनल नॉलेज मिल जाएगी, वैसे भी पढ़ना तो है ही, तो और अच्छी बात है। क्या होता है ना, जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर एक साथ पूरा पढ़ते हैं तो सारी चीजें उसकी एक साथ याद नहीं रहती, लेकिन जब कोई ऐसे बीच में कोई चीज अचानक पढ़ते हैं ना, कभी आपने नोटिस किया हो, वो ज्यादा समय तक रिटेन होती है। क्योंकि जब आप MP हिस्ट्री पढ़ोगे और वहां पे लगातार साल साल एक दूसरे के बाद स्टोरीज पढ़ोगे ना, तो कुछ दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो अलग से किसी चीज को एक बार पढ़ने में वो ज्यादा समय तक रहती है। तो जहांगीर महल कहां पर सिचुएटेड है? जहांगीर महल ओरछा में सिचुएटेड है, बड़ा ब्यूटीफुल है, ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहले टीकमगढ़ में था मगर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, निवाड़ी बनने के बाद 2018 में, तो अब ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जो जहांगीर महल है ये इसलिए बनवाया गया था क्योंकि जहांगीर यानी जिनका बचपन का नाम सलीम था, अकबर के बेटे, ये आते हैं ओरछा में, और ओरछा में इनका फ्रेंड होते हैं बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह बुंदेला और जहांगीर पक्के दोस्त होते हैं, आप लोग जितना हाइट पर पक्के दोस्त इमेजिन कर सकते हो कर लो, ये लोग बेस्टेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये इस बात का अंदाजा आप इससे लगाओ, अबुल फजल का आपने नाम सुना होगा, अबुल फजल वही व्यक्ति है जिन्होंने अकबर की लाइफ पर किताब लिखी है, अकबरनामा, अकबरनामा यानी अकाउंट ऑफ अकबर,
इसी अकबरनामा का एक थर्ड पार्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। तो ये आईने अकबरी अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम है, थर्ड पार्ट है, और किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है, अकबर के प्रिय हैं। लेकिन जहांगीर को ये बात पता चलती है कि जो अबुल फजल हैं वो अकबर को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, और जहांगीर को ये लगने लगा कि मुझे भविष्य में किंग नहीं बनने दिया जाएगा इसी अबुल फजल की कॉन्स्पिरेसी की वजह से। ऐसा सलीम को यानी जहांगीर को लगता था, और इसलिए सलीम ने, जहांगीर ने कहा बीर सिंह बुंदेला अपने बेस्ट फ्रेंड को कि तुम इसको मार देना। आप हैरान रह जाओगे इस बात को जानके कि बीर सिंह बुंदेला ने कुछ भी नहीं बोला, ना चा ना चू। फ्रेंडशिप देखो आप इनकी, कि अकबर का फेवरेट व्यक्ति, अकबर पूरे मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर कंट्रोल जिसका है ना, वो बादशाह है इंडिया का, बिना उससे डरे अपनी फ्रेंड के लिए इनने अबुल फजल को जान से मार दिया, बीर सिंह बुंदेला ने। और अबुल फजल का कटा हुआ सिर भेज दिया जहांगीर के पास कि लो दोस्त, ये तुमने कहा था मुझे काम, ये मैंने कर दिया। अब आप सोचो, बिना डरे अकबर किंग है, अकबर के फेवरेट व्यक्ति को मार दिया, बीर सिंह बुंदेला जो अकबर के सामने कुछ नहीं है उसने मार दिया अपने फ्रेंड जहांगीर के लिए। और आगे चल के अकबर को बहुत गुस्सा आया, अकबर ने जहांगीर को बहुत पनिश भी किया, मतलब जान से तो मार नहीं सकते थे क्योंकि बाकी बेटे मर चुके थे, यही जिंदा थे, तो जहांगीर को चिल्लाया बहुत, लेकिन क्या कर सकते थे। आगे चल के जब जहांगीर किंग बनते हैं तब बीर सिंह बुंदेला को बहुत अच्छी पोजीशन देते हैं क्योंकि इनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो ये है इनकी कहानी, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जब जहांगीर आए थे ओरछा, बीर सिंह बुंदेला ने तब उनके लिए जहांगीर महल बनवाया था। जहांगीर महल वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी बाय बुंदेला रूलर बीर सिंह देव, है ना, टू ऑनर जहांगीर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू ओरछा। मैं आपको ये भी बता दूं, जो ओरछा है, ओरछा है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो बेतवा नदी के किनारे, और इनके फाउंडर का नाम है रुद्र प्रताप। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, ओरछा सिटी किसने फाउंड की है? तो ओरछा सिटी किसने फाउंड की है? रुद्र प्रताप ने फाउंड की है, ये ओरछा सिटी की बात हो रही है। जहांगीर महल किसने बनवाया? बीर सिंह देव ने बनवाया। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जहांगीर महल बीर सिंह देव ने बनवाया, उससे पहले ओरछा सिटी किसने फाउंड की? रुद्र प्रताप साहब ने फाउंड की। माना जाता है, माना क्या, देखते हैं हम लोग कि ओरछा में जो बेतवा रिवर है ना, वो 7 चैनल्स में स्प्लिट हो जाता है, इसलिए उसको सतधारा भी बोलते हैं। तो कौन सी रिवर को सतधारा बोला जाता है? बेतवा को बोला जाता है ओरछा में, जब वो 7 चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। चलो भाई, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए। हम लोग एक बार रिवाइज करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के आपके आंसर देख के मुझे बेहद खुशी होती है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है आज भी आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के जवाब जरूर देंगे, इससे आपके भी माइंड में वो आंसर ज्यादा समय तक टिका रहेगा। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नर मंगू भाई पटेल ने किस पॉलिटिशियन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया? ऐसे तो और भी पॉलिटिशियंस को दिया है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान साहब को दिया गया। ओवरऑल 25 लोगों को दिया गया जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है जरूरी के बारे में। स्कॉट सिल्वर अवार्ड किस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दिया गया? वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दिया गया। तियोंथर माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो अप्रूव की गई एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो रीवा में अप्रूव की गई। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि पांगरी बुरहानपुर और माड़ा सिंगरौली में भी बाकी दो स्कीम्स इरिगेशन स्कीम इनॉग्रेट की गई है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है डायमंड जिसको डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है? टीकमगढ़ को शामिल किया गया है। वेयर इज द फेमस जहांगीर महल सिचुएटेड? जहांगीर महल ओरछा में है, बीर सिंह देव, बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था अपने फ्रेंड जहांगीर की फर्स्ट विजिट टू ओरछा में। अब मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ये रहा, तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन द एंटायर कंट्री? तो ये मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाया था, ब्रुसेला वैक्सीनेशन कैंपेन। ब्रुसेला एक रिप्रोडक्टिव डिसीज होता है जो कि जानवरों में होता है, विशेष रूप से कैटल में, और ये ह्यूमंस में भी आ सकता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में है। ब्रुसेला वैक्सीनेशन कैंपेन में मध्य प्रदेश की क्या रैंक आई है पूरे देश में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या रैंक आई है आपको बताना है। चल तो ये आप लोग इसको कॉमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब मुझे लगता है हमको अपनी क्लास वाइंड अप कर लेना चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं मैं बता दूं कि करेंटली हमारे पास एमपी पॉलिटी प्री प्लस मेंस प्रीलिम्स, एमपी इकोनॉमी प्री प्लस मेंस प्रीलिम्स, इंडियन पॉलिटी प्री प्लस मेंस प्रीलिम्स, और यूनिट वन जो है पूरा एमपीपीएससी का यूनिट वन, वो भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स वाला, यूनिट वन प्रीलिम्स का, है ना। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स एक्सेस करना चाहें तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप फीडबैक में ये भी बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा लाइव क्लास करें कि रिकॉर्डेड करें, ये जो करंट अफेयर्स है इसमें भी आप बताइएगा। आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।